कॉलेज अभी इन दिनों में मैं कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की देखने का सौभाग्य मिला, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी, ए एनआईआरएफ की रैंक कॉलेज है और नैक की शायद ए प्लस प्लस की कॉलेज की मान्यता है। हमारी दिल्ली की चंद कॉलेजों की ए प्लस प्लस की मान्यता है। तो रामकृष्ण मिशन एजुकेशन को एक जीता जागता एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट की जो प्रमुख फीचर मैंने मार किया वो है वोकेशनल एजुकेशन, अप्लाइड एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन थोड़ा इंस्पिरेशनल और एस्पिरेशनल नहीं होता है। अभी मैं पूर्णिमा मैडम को और ज्योति मैडम दोनों को क्षमा चाहूंगा, मैं थोड़ा घबराहट में था, निधि मैडम भी अगर उसी को आगे बढ़ाएंगे तो थोड़ा मेरा क्रेडेंशियल खराब हो जाएगा इंग्लिश में बोलना। मेरे को निधि मैडम ने थोड़ा रिलीफ दिया। देखो, इंग्लिश को हमें कोई एक सब्जेक्ट करके पढ़ने में पढ़ना ही चाहिए, इसमें कोई सेकेंड ओपिनियन मेरा तो नहीं है। मैथमेटिक्स को जैसे पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी को जैसे पढ़ते हैं, इंग्लिश को ऐसे पढ़ना उचित है। कभी कभी मैं सोचता हूं हम सब लोग शायद यहां हमको जो स्वामी जी ने इकट्ठा किया है, कभी कभी क्या होता है शिक्षा को लेके बहुत कंपटीशन होती है, दिल्ली में ज्यादा होती है, किसका अच्छा है। आप लोगों का विश्वास नहीं होता मिशन पे, स्वामी जी पे, आप यहां नहीं आते, ये तो कोई कंपलसरी नहीं है। ज्यादा तो प्राइवेट स्कूल के ही होंगे ना, सीबीएसई की चेयरमैन साहब की क्या डर है, डर तो कोई है नहीं। केबी वाले आए होंगे, थोड़ा उनकी वो बड़ी दीदी आने वाली थी, शायद उसकी डर में आ जाते कभी कभी। आपके विश्वास है इसीलिए आप आए। कभी कभी मैं सोचता हूं कि जो रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी जी को क्या इंग्लिश में सिखाए होंगे, जो मूल आत्मा के विषय बताए वो बार बार पूछने जाते थे। मैं घंटों बिताया हूं जाके दक्षिणेश्वर काली में, उड़ीसा का हूं, थोड़ा बचपन से जाता हूं वहां, तो मैं कभी कभी वहां बैठ के, बचपन से मैं जब शायद 11वीं 12वीं में था तब से जाता हूं, तब मैं वहां अनुभव करता था कि क्या पूछा होगा बाबा को स्वामी जी ने, स्वामी जी तो बने ही नहीं, नरेंद्र जी ने क्या पूछा होगा। उनके घर भी मैं गया हूं। अब इन दिनों में मैं भगनी निवेदिता की नई बनी हुई म्यूजियम पे देखने के लिए गया। तब भी जो भगनी निवेदिता आके कहां से शुरू की, वो स्कूल से ही शुरू की, कलकत्ता की उन दिनों में छोटे छोटे बच्चियों को इकट्ठा करके स्कूल किया, स्कूल सिखाया। सिस्टर निवेदिता आयरलैंड की थी, तो कलकत्ता में जो बच्चियों को सिखाया होगा वो क्या अंग्रेजी में सिखाया होगा। नहीं, आप मेरे को पूर्णिमा मैडम और ये ज्योति मैडम मेरे को क्षमा करेगा, फिर मैं आपको माफी मांगता हूं, मेरा कोई पूर्वाग्रह आप लोगों से नहीं है। लेकिन मैं शिक्षा विभाग में आ गया, मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है कि हम क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में कहते हैं, हम मानते हैं कि हर एक जीव मात्र में कुछ सृजनशीलता है, सभी व्यक्ति में, सभी प्राणी में कुछ ना कुछ प्रभावित करने वाले चरित्र है, तब वो कैसे परिप्रकाश होगा, इसी की नाम है अवेकनिंग। ये कैटलिस्ट की रोल हमारी एजुकेशन पॉलिसी की पेडागोजी में, कैरिकुलम में अगर यही इनबिल्ट होता तो शायद रामकृष्ण मिशन के पास हमें आना नहीं पड़ता। या एनसीईआरटी के जो मित्र यहां बैठे होंगे, एनसीईआरटी की यह दायित्व है, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सीबीएसई, ये मोटा मोटी, और आप सभी लोग, आप एक प्रशासनिक व्यवस्था है, आत्मा तो बनाने वाले दायित्व एनसीईआरटी के पास है और ऐसे महानुभवों के पास, फिलांथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन के पास है।
हमें 21वीं सदी में एक नई पीढ़ी खड़ा करनी है, जो पीढ़ी, जो मानव संबल इस देश को तो संभालेगा ही, दुनिया की मौलिक आवश्यकता को संभालने की गुण रखता है। ये हमारे सिंपल तरीके से, ये मेरे समझ में ये शिक्षा की उद्देश्य है। शिक्षा आज, शिक्षा में आज मैं अभी कुछ दिन पहले कोटा गया था, यहाँ ये टाइम्स नाउ है, नहीं तो मेरे मन की बात और कुछ कहता, अभी फिर वो शाम तक कंट्रोवर्सी हो जाएगा। हम क्या शिक्षा की व्यवस्था करते हैं? क्या स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, महात्मा गांधी शिक्षा की कल्पना में, श्री अरविंद एक ही बात कहते हैं, कुछ भी करो देश के लिए करो, पढ़ाई करो, नौकरी करो, फुटबॉल खेलो, व्यवसाय करो, जो भी करो देश के लिए करो। ये कल्पना कहां से आएगी? ये कल्पना शिक्षा से ही आएगी। कौन देगा? शिक्षक, शिक्षयित्री ही देंगे।